खियोग के देहा बलसन इलाके से लापता हुए रोहड़ू के नाहल गांव के 23 वर्षीय शुभम का 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। अपने इकलौते बेटे के गायब होने से माता पिता काफी परेशान है। मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान शुभम के पिता ने सरकार से मांग की है कि उनके बेटे को शीघ्र ढूंढा जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी मामले में ढील बरतने के आरोप लगाए। थियो के देहा बलसन इलाके से 10 दिन पहले लापता हुए रोहड़ू के नाहल गांव के 23 वर्षीय शुभम को पुलिस अब तक नहीं तलाश कर पाई है। बेटे का पता ना चलने से परिजन बेहद परेशान हैं। शुभम को खोजने के लिए सीबीआई जांच की मांग उठी है। शुभम के पिता कृष्ण चंद ने मंगलवार को रोहड़ू से शिमला पहुंचकर मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। प्रेस क्लब शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शुभम के लापता होने को 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाई है। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई या किसी उपयुक्त जांच एजेंसी से करवाने की मांग की है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि पुलिस उनके बेटे के लापता होने के मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा जो कोशिश की जानी चाहिए थी वो नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस मामले में पुलिस पर किसी का दबाव है। उन्होंने जयराम सरकार से गुहार लगाई कि उनके लापता बेटे के बारे में 24 घंटों के भीतर पता लगाया जाए। आंखों में आंसू भरकर रूंधे स्वर में शुभम के पिता ने कहा कि उन्हें उनका बेटा चाहिए, चाहे वो किसी भी हालत में हो। कृष्ण चंद ने कहा कि उनकी पत्नी का बिलख बिलख कर बुरा हाल हो गया है। शुभम के पिता ने कहा कि पुलिस रोजाना एक ही जगह पर जाकर उनके बेटे की तलाश कर रही है और अब उनका पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं रहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शुभम नशे का आदि नहीं था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शुभम के दोस्त पुनीत ठाकुर पर शक जाहिर किया है। शुभम के पिता का कहना है कि पुनीत बार बार अपने बयान बदल रहा है। उन्होंने कहा कि शुभम के बारे में केवल पुनीत ही बता सकता है, क्योंकि 30 दिसंबर की रात पुनीत की कार में वो देहा से जुब्बल आ रहा था और इसी बीच जंगल में शुभम अचानक गायब हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि भी इसमें कोई इनके ऊपर प्रेशर है जो ये पूरा वो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको आगे किसी और के हाथ में दे या कोई अच्छे ऑफिसर हो उसे वो कराए। ठीक है, ये जो पूरा वाक्य हुआ है ये संक्षेप में आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, कब कब क्या क्या हुआ और जो लड़का पकड़ा है अरेस्ट किया वो क्या बोल रहा है? वो यही बोल रहा है कि वो लड़का उसको ले जाने आया, मेरे साथ था और हमने वहाँ से रोड पार्टी के बाद हम 11 बजे चले गए घर। वो बोला कि शुभम ने बोला कि घर जाना है तो हम चल पड़े दोनों से। वहाँ थोड़े आगे आधा किलोमीटर भी नहीं है वहाँ से, वहाँ तक आए तो बोलता है यहाँ उतर गया है वो, उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो उतर गया, तो मैं गाड़ी में सो गया आके। तो थोड़ी देर जब मेरी नींद जगी मैं उठा वहाँ तो आसपास देखा तो वो वहाँ था नहीं। मैं सोचा कि आगे पैदल निकल गया होगा तो मैं चल पड़ा वहाँ। वहाँ से मेन रोड से 26 किलोमीटर है जंगल का एरिया, कहाँ वो पैदल जाएगा वहाँ जंगल के एरिया में, जो कि लिफ्ट का वहाँ दिन में नहीं लिफ्ट मिलती, रात को तो पहले नहीं मिलती लिफ्ट। तो मेरा उस पर पूरा शक है कि भी जो कुछ है उसी का किया धरा है, जो भी किया जो सब पता है उसको कि भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।